सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो नेवी MR की सेंस की जो सीरीज चल रही थी उसका ये लेक्चर थर्ड होने वाला है। तो आज की वीडियो को एंड तक देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करके रखना क्योंकि नेवी MR की जो साइंस की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लगभग आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद मैं आपका टॉपिक उठाने वाला हूँ हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के सारे प्रश्न मैं करा दूंगा, जो भी जैसे कि बौद्ध बौद्ध धर्म या जो भी धर्मों से रिलेटेड आपके प्रश्न आते हैं। मुझे पता है आपका सिलेबस कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपको करा दूंगा। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा क्योंकि ये आपके जो GK का पोर्शन होता है इसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जो करंट अफेयर होगी वो भी मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग होता है? लोहा, आयोडीन, ऑक्सीजन या फिर तांबा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से मनुष्य के रोग में उसका कंठ फूल जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ रोगों के नाम तथा जिनकी कमी से ये रोग होते हैं उनके जोड़े दिए गए हैं। तो आपको गलत छांटना है। ऑप्शन ए रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरीबेरी विटामिन बी की, प्लेगा विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी। तो आपको इसमें इजीली आपको पता पड़ गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो प्लेगा विटामिन सी की कमी से नहीं होता है बल्कि जो स्कर्वी रोग होता है आपका स्कर्वी रोग वही विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में विटामिन की कमी से अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है। तो यह लक्षण किस रोग के हैं? सूखा रोग, अस्थि मृदुता, बेरीबेरी या जीरोपथैल्मिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मृदुता के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी या आइसोसोमनिया। तो आपको पता होगा, मैंने अभी पहले ही बताया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है क्योंकि आपको पता है विटामिन से रिलेटेड एक प्रश्न आपका पक्का आएगा। अगला, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मृगी या अरक्तता। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, अरक्तता मनुष्य में आयरन की कमी से होती है, आयरन की कमी से अरक्तता होती है। तो जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न ऊपर है, इसको पढ़ लेते हैं, ग्लूकोमा रोग में होता है। तो आपका जो ग्लूकोमा रोग होता है दृष्टि की हानि, सुनने की शक्ति में हानि, गंध में अंतर करने की क्षमता की हानि या बोलने के लक्षणों का बदलना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टि की हानि होती है ग्लूकोमा रोग के कारण। अगला है, विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाला रोग, प्रणासी, अरक्तता, पेलेगा, स्कर्वी या बेरीबेरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रणासी, अरक्तता, विटामिन B12 की कमी से होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? हैजा, मीसेल्स, मलेरिया, टांगों की अस्थियाँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हैजा रोग है वो जीवाणुओं के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, सूखा रोग रिकेट्स शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो हमें रिकेट्स हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट भुजाओं पर डालते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलता है और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो विटामिन सी की कमी से हमारे दांतों में मसूड़े हिलने लगते हैं और दांत गिरने लगते हैं। अगला है, निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है? पेलेंगरा, स्कर्वी, टिटनेस या गलगंड। तो निकोटिन की अम्ल की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन ए, पेलेंगरा हो जाता है। अगला, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौंधी, मोतियाबिंद, पर्सबायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगला है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको ये जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा जोड़ा है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अति तनाव निम्न रक्तचाप के कारण नहीं होता है। अगला है, क्वांसियोर कोर किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम। तो क्वांसियोर कोर जो होता है जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी के कारण क्वांसियोर कोर नमी बनी रहती है। अगला है, एड्स स्थानांतरित नहीं होता लैंगिक संपर्क द्वारा, रक्तदान द्वारा, टीके की संदूषित सुई से या हाथ मिलाने से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथ मिलाने से एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। अगला है, रोग तथा उससे संबंधित शर्त का निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको इसको बता देना है, मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस लीवर। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो कर देना लाइक, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे मैं हिस्ट्री का उठाने वाला हूँ। जो मिलते हैं अगली वीडियो में।